हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी मसाला पनीर। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। मसाला पनीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध लेंगे और मीडियम फ्लेम पे दूध हम गैस पे चढ़ा देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, दरदरा कुटा लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक लेंगे, नमक अपने टेस्ट के अनुसार लें, और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हरा धनिया जरूर डालकर मसाला पनीर बनाएं। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध में उबाल आने देंगे। उसके बाद हम पनीर में विनेगर से फाड़ेंगे। आज हम पनीर विनेगर से फाड़ रहे हैं, आप इसे नींबू का जूस से भी फाड़ सकते हैं। बहुत तेज आंच में दूध नहीं उबालेंगे, मीडियम फ्लेम में ही दूध को उबालेंगे। इससे पनीर एकदम सॉफ्ट बनेगा, रबरी नहीं बनेगा। रबर जैसा जो बन जाता है पनीर, वैसा नहीं बनेगा और बहुत सॉफ्ट पनीर बनके तैयार होगा। तो आंच हम धीरे धीरे ही लगने देंगे और इसे चलाते रहेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे विनेगर। 2 चम्मच विनेगर में 1 कप पानी हम डालकर रख लिए हैं। अब इसमें हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे, एक बार में पूरा नहीं डालेंगे। और ये फिक्स नहीं है कि विनेगर कितना लगेगा, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और पनीर फटने तक हम इस पानी को डालते रहेंगे। नींबू से भी इसी तरीके से फट जाएगा पनीर। आप नींबू का जूस निचोड़ कर निकाल लें और 1 कप पानी में जूस को मिक्स कर लें और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो पनीर उससे भी आराम से फट जाएगा। वैसे मैं अक्सर पनीर नींबू से ही फाड़ती हूँ, लेकिन आज मैं विनेगर से फाड़ रही हूँ। देखिए दोस्तों, पनीर फटने ही वाला है, थोड़ा थोड़ा फटा फटा दिख रहा है, लेकिन एकदम ग्रीन पानी होते तक हम इसमें मिक्स करेंगे विनेगर का पानी। और 1 चम्मच और विनेगर ले लिए थे और उसमें 1 कप पानी मिक्स कर लिए थे, मतलब 3 चम्मच विनेगर से पनीर मेरा फट गया। आप इस तरीके से जरूर बनाएं, बहुत टेस्टी पनीर बनता है। पनीर फट गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसके ऊपर छन्ना रख देंगे और इस तरीके से कोई भी पतला सा कपड़ा रख लेंगे कॉटन का और इसमें पनीर डालेंगे। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर पनीर फटके बना है, बहुत टेस्टी पनीर बनता है। दोस्तों जरूर बनाइएगा इस तरीके से और अपने बच्चों को जो पनीर सीधा खाना पसंद नहीं करते हैं उन्हें आप इस तरीके से बनाकर खिला सकते हैं। डालेंगे ठंडा पानी, पनीर बहुत गर्म नहीं रखेंगे नहीं तो एकदम रबरी हो जाएगा। इस तरीके से हल्का सा धो देंगे तो पनीर एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा। ये वाला भी करना बहुत जरूरी है पनीर धोना, नहीं तो पनीर टाइट टाइट बनेगा। इस तरीके से सारा पानी निकाल देंगे, पनीर हटा लेंगे और इस पानी को हम कहीं यूज करेंगे, ग्रेवी बनाने में या आटा गूंथने में, इसे फेंकेंगे नहीं। इस तरह का एक जाली वाला बर्तन ले लेंगे या कोई भी प्लेट ले लेंगे, उसको पलट लेंगे और उसके ऊपर पनीर रख देंगे इस तरीके से और इसे सेट कर लेंगे कि ये चौकोर रहे। इस तरीके से सेट कर लेंगे और इसे इस तरीके से, बीच में गांठ नहीं बनाएंगे नहीं तो बीच में गुठली जैसा बन जाता है तो पनीर ठीक से सेट नहीं होता है। इस तरीके से इसे कर लेंगे, इस तरह का प्लेट रख लेंगे और कोई भी भारी बर्तन या कोई भी चीज रख देंगे इसके ऊपर। अब इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर पनीर हमारा एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। आधा घंटा रखे हो गया है पनीर, अब हम इससे सारे वजन हटा लेंगे। पनीर इस तरीके से खोलेंगे, देखिए दोस्तों कितना सुंदर पनीर बनके तैयार हुआ है। सुंदर भी दिख रहा है और जितना सुंदर ये दिख रहा है उतना ही ज्यादा ये टेस्टी खाने में लगेगा। पनीर हम काट लेंगे
छोटे छोटे पीस में काटेंगे। ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आप इससे सब्जी भी बना सकते हैं, सब्जी का टेस्ट और दोगुना हो जाएगा। आप इससे पनीर पकौड़ा बनाए, बहुत टेस्टी बनेगा। और इस तरीके से बच्चों को लंच में बटर से सेक कर दे सकते हैं, बहुत टेस्टी नाश्ता हो जाएगा। इस तरीके से आप भी जरूर बनाए दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। एकदम बहुत टेस्टी सा और बहुत सुंदर सा पनीर बनके हमारा तैयार हो गया है दोस्तों। अगर ये मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करें और कमेंट भी करके जरूर बताएं दोस्तों कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। चलिए दोस्तों अब इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज दोस्तों मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।